काफ़ी सारे ऐसे मेरे मित्र हैं और या काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, सर मैं मेरी शादी हो चुकी है और मैं पढ़ना चाहता हूँ, बट मुझे फैमिली में इतना सारा काम होने के कारण से मैं पढ़ नहीं पाता हूँ और पूरा दिन मेरा इसी में निकल जाता है। ठीक है, तो मैं आज इसी टॉपिक पे आप लोग के बीच आया हूँ और इसी टॉपिक को कोशिश करूँगा समझाने का। और अगर आप लोग का भी ऐसा कोई भी टॉपिक है तो आप लोग भी मुझे टेलीग्राम पे या नहीं तो आप यहाँ भी बोल सकते हैं। अगर मुझसे बात करना चाह रहे हैं तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे 24 स्टडी सेंटर के नाम पे हैं, वहाँ भी आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। ये टॉपिक है तो आप लोग मुझे यहाँ या टेलीग्राम पे ज़रूर आप लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि टेलीग्राम पे कई सारा आपको मिल जाएगा। ठीक है, बच्चे या कोई भी क्वेश्चन है तो वहाँ भी आप लोग पूछ सकते हैं। तो हाल ही का मैं इंस्टाग्राम पे ही रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि टेलीग्राम मेरे अलावा कोई और भी चलाते हैं। ठीक है, देखते हैं आगे की ओर। ये कॉमन सा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ऐसे जो गांव से बिलोंग करते हैं, हाल ही का सिटी से भी बिलोंग करते हैं, उनका भी शादी बहुत ही जल्द हो जाता है। मैक्सिमम ये चीज़ गांव में देखा जाता है कि थोड़ा सा कम एज में ही शादी कर दिया जाता है, हाल ही का बॉयज़ हो या गर्ल्स हो। गर्ल्स का बहुत ही जल्दी है ये प्रॉब्लम, गर्ल्स के अंदर क्रिएट होता है बहुत ज़्यादा। और कई ऐसे मेरे मित्र भी हैं जो शादीशुदा है और वो मुझे यही बोलती रहती है कि यार मैं पढ़ नहीं पाता हूँ, तो ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। तो देखो, इसका एक ही सल्यूशन है और बिल्कुल सिंपल सल्यूशन है, और मुझे भरोसा है कि अगर आप इस मेरे इस सल्यूशन पे आप लोग चलोगे तो आप 100% सफलता मिलेगी, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। बट कोई भी चीज़ करना है तो कंटिन्यू करना है, ये नहीं कि आज किए और कल छोड़ दिए। तो आप लोग मेरी बातों को पूरा ध्यान से सुनेंगे और ज़रूर बताएंगे कैसा लगा। एक ही चीज़ है उसके, क्योंकि देखो दिन में हर इंसान के पास काम होता है। आपको क्या लगता है, बॉयज़ के पास भी काम होता है और बॉय गर्ल्स के पास भी काम होता है, सेम है? तो नाइट में आप लोग टाइम निकालेंगे और बोलिएगा सर नाइट में मैं जग नहीं पाता हूँ, मुझे सोने का, मैं थका रहता हूँ, नींद आता है, तो नहीं। ये आप अपने माइंड को जैसे सोचते हैं कि मुझे 4 बजे ही उठना है, तो इसी तरह अपने आप को माइंड को इसी हिसाब से डिज़ाइन करना है कि आपको नाइट में लेट से सोना है। ठीक है, ताकि आपको मॉर्निंग में आप थोड़ा सा लेट हो जाए वो सही है, बट शेड्यूल थोड़ा सा चेंज कर देना है, बट आपको नाइट में थोड़ा सा पढ़ना ही है अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। अदरवाइज अगर आप पढ़ना नहीं चाहते हैं तो मैं इस चीज़ के वाकई नहीं बता सकता हूँ, तब आप जब मन सोइए तब मन उठिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अगर आप पढ़ना चाहते हैं, दिन में आपके पास बहुत सारा काम है और आप पढ़ नहीं पाते हैं, फैमिली प्रॉब्लम ये सारा, तो आप लोग माइंड में रिलैक्स करना है, माइंड को रिलैक्स फील करना है, और रिलैक्स फील करके टेबल चेयर के पे बैठ के पढ़ना है और बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, फोकस डाल के, और 2-3-4 घंटा पढ़ना है। ठीक है, और रात में पढ़ने से मेरे ख्याल से आप लोग को माइंड पूरा शांत भी होता है वातावरण, और जिससे आप लोग को माइंड मेरे ख्याल से समझ में आना चाहिए, क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट नाइट में भी पढ़ते हैं। और ये एक बोला जाए सिंपली देसी भाषा में, तो एक मन का वहम है कि नहीं रात में पढ़ने से ये प्रॉब्लम होता है, याद नहीं होता है। नहीं जी, आप कभी भी आपका अगर माइंड फ्रेश है, ठीक है, आपका माइंड एकदम फ्रेश है, तो आप उस टाइम पढ़िएगा तो 100% वो चीज़ आपको पकड़ बन जाएगा, मतलब वो चीज़ यादें हो जाएगी। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग आप लोग रात में पढ़ सकते हैं अगर आप शादीशुदा है तो। ठीक है, तो यही एक छोटा सा वीडियो बनाना था जिसमें आप लोग को समझाना था, और इसके अलावा भी कुछ और भी प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे शेयर करके बता सकते हैं, और मुझे विश्वास है कि मैं आप लोग को समझा पाया हूँ, टाइमिंग दे दिया हूँ कि आप लोग नाइट में पढ़ें। कोशिश करें जितना जल्दी काम हो जाए जो भी है घर का फैमिली वाला, उसके बाद आप लोग रात में पढ़िए, मे बी उसके बाद मज़ा से पढ़िए, और मुझे लगता है कि अगर आप इस लक्ष्य पे कंटिन्यू रखिएगा तो 100% कामयाबी मिलेगा। थैंक यू।